हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिज़िक्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हम 7 o'clock क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसी सीक्वेंस में ये नेक्स्ट क्विज है। हमने इससे पहले वाला जो क्विज़ किया था उसमें 12th का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा था, इसमें NTSC पार्ट ज़्यादा है। तो आई होप यू विल इन्जॉय एंड गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स कैरी सेम करंट आई। दो वायर हैं जिनका मटेरियल सेम है लेकिन डायमीटर डिफरेंट हैं, उनमें सेम करंट आई फ्लो होता है। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इज 2:1, अगर उनके डायमीटर का रेशियो 2:1 है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ देयर मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उन वायर्स में से जो इलेक्ट्रॉन की मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 1:2 एंड ऑप्शन डी 1:4। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1:4। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, इसका फॉर्मूला होता है I बाय NAE। यहाँ N है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। A है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ से अगर मैं एरिया को π d² / 4 लिखूँ तो 4 ऊपर पहुँच जाएगा, d डायमीटर हो गया। तो यहाँ से VD जो है वो डायमीटर के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वायर की डायमीटर के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। तो यहाँ से VD1 / VD2 विल बी इक्वल टू d² / d1², क्योंकि इन्वर्स रेशो है। तो ये आ जाएगा 1/2² दैट इज 1:4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टू बल्ब्स कंज्यूम सेम पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। दो बल्ब हैं जो सेम पावर कंज्यूम करते हैं अगर उनको 200 और 300 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाए। When these bulbs are connected in series across a DC source of 500 volt, अगर इन दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करके एक 500 वोल्ट की DC सप्लाई दी जाए तो ऑप्शन ए रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेज अक्रॉस देम इज 3:2, यानी कि उन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 3:2 के रेशियो में आएगा। ऑप्शन बी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज 9:4, ये पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में 9:4 आएगा। ऑप्शन सी रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस देम इज 4:9 एंड ऑप्शन डी रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस देम इज 2:3 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम अक्रॉस देम इज 4:9। थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे, देखिए कैसे होगा, बहुत सिंपल है। पावर का फॉर्मूला होता है बेटा V² / R।
तो आर आ जाएगा वी स्केयर बाय पी, या फिर आर प्रोपोर्शनल टू वी स्केयर। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होती है तो उसी हिसाब से रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आर वन बाय आर टू क्या आ जाएगा, 200/300 स्केयर, दैट इज यहाँ 2/3 स्केयर आ जाएगा, दैट इज 4/9। तो आर वन और आर टू का रेशियो आ गया आपके पास। जब इनको कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में, देन द पोटेंशियल ड्रॉप एंड पावर कंज्यूम्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेज। यानी कि जब भी इनको आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप भी और पावर भी इनके रेजिस्टेंस के रेशियो में ही होगा। तो पी वन बाई पी टू आ जाएगा वी वन बाई वी टू के बराबर, और वी वन बाई वी टू किसके बराबर आ गया था, इज इक्वल टू 4:9 आ जाता है। क्योंकि देखिए पी इज इक्वल टू वी आई है, सीरीज में आई कांस्टेंट हो गया तो पावर वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, और वी इज इक्वल टू आई आर होता है तो आई कांस्टेंट है फिर से, तो वी प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहां से वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू आ जाएगा, दैट इज 4/9। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ए फैक्ट्री इज सर्व्ड बाय 220 वोल्ट सप्लाई लाइन इन अ सर्किट प्रोटेक्टेड बाय अ फ्यूज ऑफ मार्क्ड 10 एम्पियर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वाट लैंप इन पैरेलल दैट कैन बी टर्न्ड ऑन इज। एक फैक्ट्री में 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन है और उसका जो फ्यूज है उसके ऊपर लिखा है 10 एम्पियर। ये उसका एक तरह से सेफ्टी मार्क है कि 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट वो बियर नहीं कर सकता। और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वाट के बल्ब हमें लगाने हैं पैरेलल में, जो इसके साथ ऑपरेट कर सकें बिना डैमेज किए, तो वो कितने होंगे, यानी कि कितने 100 वाट के बल्ब को इस स्ट्रक्चर के अंदर हम बिना डैमेज हुए एकोमोडेट कर सकते हैं, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 33 एंड ऑप्शन डी 66। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज बी 22। 22 बल्ब अगर हम पैरेलल में लगा दें 100-100 वाट के, तो वो डैमेज नहीं होंगे और 220 वोल्ट की लाइन पे वो ऑपरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये देखिए। करंट कितना चाहिए हर एक बल्ब को, आई इज इक्वल टू पी बाई वी, पावर है 100 और वोल्टेज है 220, तो 100/220 एम्पियर करंट आ जाएगा जो सबको चाहिए होगा, क्योंकि पैरेलल में है तो सबको अलग अलग करंट चाहिए। अगर हम एन बल्ब को पैरेलल में ज्वाइन कर दें तो जो टोटल करंट आएगा वो फ्यूज में जितना करंट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इक्वल हो जाए, ज्यादा ना हो। तो फ्यूज का करंट कितना है 10 एम्पियर, एक का करंट कितना आया वो हमने निकाल लिया 100/220, तो यहां से एन आ जाएगा, एन इंटू आई की वैल्यू रखी 100/220 इज इक्वल टू 10, तो यहां से एन आ जाता है 22। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, काफी इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। टू बल्ब मार्क्ड 60 वाट 220 वोल्ट एंड 100 वाट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन इज नाउ कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट मेन सप्लाई। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, यानी कि दो बल्ब हैं, पहले तो उनको सीरीज में कनेक्ट किया, एक 60 वाट का है एक 100 वाट का है, दोनों 220 की सप्लाई पे चलने के लिए बनाए गए हैं। अब उस कॉम्बिनेशन को हमने 220 वोल्ट की सप्लाई पे डाल दिया, कितना पावर डिसिपेट होगा इस सर्किट के द्वारा आपको ये बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 37.5 वाट, ऑप्शन बी 75 वाट, ऑप्शन सी 80 वॉट एंड ऑप्शन डी 40 वॉट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप. एंड द राइट आंसर इज ए 37.5 वॉट. देखिए कैसे होगा ये, जब इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम तो पावर का फॉर्मूला होता है P1 P2 बाय P1 प्लस P2. वैल्यूज पुट करते हैं 100 इंटू 60 बाय 100 प्लस 60, ये सॉल्व करके आ जाएगा 6000 बाय 160, दैट इज 37.5 वॉट. ठीक है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. सीरीज में जब भी आपको इस तरह से पावर निकालनी है तो जैसे हम पैरेलल में रेजिस्टेंस का रिजल्ट निकालते हैं उसी तरह से पावर का रिजल्ट निकलता है P1 P2 बाय P1 प्लस P2 करके. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. ए टैप सप्लाइज वाटर एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड. ए मैन टेक्स 1 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द गीजर. द पावर ऑफ गीजर इज, आपको एक टैप जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी सप्लाई कर रही है और एक मैन 1 लीटर पानी हर मिनट 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गीजर से ले पा रहा है, तो गीजर की पावर कितनी है ये आपको बताना है. आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 525 वॉट, ऑप्शन बी 1050 वॉट, ऑप्शन सी 1775 वॉट एंड ऑप्शन डी 2100 वॉट. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द राइट आंसर इज बी 1050 वॉट. कैसे होगा, काफी कम आंसर आया. आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा. देखिए टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, 22 से 37, 15 डिग्री. अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, 1 लीटर. इसको सीसी में बदलें तो 1000 सीसी. उसका वजन कितना होगा, 1000 ग्राम. अब हीट जो सप्लाई की गई है कैलोरी में वो होता है एम एस डेल्टा टी. फॉर्मूला होता है एम फॉर मास, मास 1000 ग्राम है, फिर एस वाटर के लिए 1 होता है और टेम्परेचर डिफरेंस है 15 डिग्री. तो सॉल्व करके आ गया, ये कैलोरी में आंसर था. इसको जूल में बदलने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इतनी हीट सप्लाई की गई है, ठीक है. अब पावर क्या होगा, एनर्जी या हीट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. ये जो सारा काम हो रहा है बेटा ये एक मिनट में हो रहा है, एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड. तो 60 सेकंड से इस सारे को हम डिवाइड करेंगे और सॉल्व करके आ जाएगा 1050 वाट, दैट इज जूल पर सेकंड. क्योंकि वाट बेसिकली पावर की यूनिट है ना, उसे जूल पर सेकंड भी बोलते हैं. तो कितने जूल हीट आई थी, 1000 × 15 × 4.2, और टाइम कितना था, पर मिनट की बात हो रही थी ना, तो इसका मतलब 60 सेकंड. उससे डिवाइड कर देंगे. अब मेरे ख्याल से आपको इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा ये. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल इज 4×10⁻⁸ मीटर. मीन फ्री पाथ क्या होता है, जितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोलिजन के चला जाए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी इन द यूनिट ऑफ वोल्ट बाय मीटर. तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वोल्ट बाय मीटर में जो एक इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कर सके, जबकि मीन फ्री पाथ कितना है, 4×10⁻⁸ मीटर है इतने डिस्टेंस के अंदर. आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 8×10⁻⁷, ऑप्शन बी 8×10⁻¹1, ऑप्शन सी 8×10⁻+11 एंड ऑप्शन डी 5×10⁻¹7. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
टाइम अप. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 5 × 10⁻⁷. कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखिए. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज ऑन द मीन फ्री पाथ इज गिवन बाय ई क्यू इंटू डिस्टेंस. फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना बेटा, तो फोर्स होता है ई क्यू. डिस्टेंस कितना है, 4 × 10⁻¹. और वो किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो चार्ज हमारा कितना है, 2EV है ना एक तरह से, जो Q है उसकी जगह E ले लेंगे और V की जगह 1V. ठीक है, तो E बराबर यहाँ से आ जाएगा 2/4 × 10⁻⁸, या फिर इसको सॉल्व करेंगे 0.5 × 10⁸. आपके ऑप्शन से मैच नहीं करता तो इसको हम 5 × 10⁷ वोल्ट बाय मीटर कर देंगे. ये आपका रिजल्ट है. एक बार फिर से देख लीजिए, जो लेफ्ट साइड में है वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की जगह ई क्यू लिखा गया है, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन फ्री पाथ. और राइट में जो है वो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज लिखा गया है. पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और चार्ज जो है वो 2E है, या 2Q लगा लो. क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी. चलिए अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. यू आर गिवन टू रजिस्टर्स R1 एंड R2. बाई यूजिंग दैम सिंगली इन सीरीज एंड इन पैरल यू कैन ऑब्टेन 4 रजिस्टेंसेज ऑफ 1.5 ओम, 2 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम. तो R1 R2 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपके पास जो 2 रजिस्टेंस हैं उनसे आप चाहे सिंगल सिंगल करके या सीरीज में बना के या पैरेलल में बना के 1.5 ओम, 2 ओम, 6 ओम और 8 ओम ऑब्टेन कर सकते हो. तो ऐसे R1 और R2 की वैल्यू क्या हो सकती है. आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 ओम एंड 7 ओम, ऑप्शन बी है 1.5 ओम एंड 6.5 ओम, ऑप्शन सी 3 ओम एंड 5 ओम एंड ऑप्शन डी 2 ओम एंड 6 ओम. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2 ओम एंड 6 ओम. देखिए, अगर 2 ओम और 6 ओम को पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो 8 ओम आ जाएगा, और इनकी इंडिविजुअल वैल्यू 2 और 6 है ही. तो चारों जो कंडीशन है वो इससे हम फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ए पोटेंशियोमीटर हैविंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 2 mV/cm, यानी कि एक वायर है उस पर 2 mV/cm का पोटेंशियल डिफरेंस आता है. यूज टू मीटर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. 10 ओम के एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है. इफ़ द लेंथ ऑफ 50 cm ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज रिक्वायर्ड टू गेट द नल पॉइंट्स, यानी कि इस रेजिस्टेंस के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ आती है अगर वो 50 cm पे आती है, देन द करंट पासिंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस इज, 10 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट पास होगा मिली एम्पियर में वो कितना होगा. ऑप्शन ए 1 mA, ऑप्शन बी 2 mA, ऑप्शन सी 5 mA एंड ऑप्शन डी 10 mA. स्पेशली 12th वाले ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप.
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 10 मिली एम्पियर। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, 10 × I, क्योंकि रेजिस्टेंस R है, करंट I है, तो IR इज इक्वल टू IR, तो ये हो जाएगा 2 × 50, ठीक है, क्योंकि 2 मिली वोल्ट जो है वो पर मिलीमीटर, 2 मिली वोल्ट जो है वो पर सेंटीमीटर वोल्टेज ड्रॉप आता है, तो 50 के लिए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू IR, आर आपका 10 ओम है, तो यहां से आई आ जाएगा 100/10, यानी कि 10 मिली एम्पियर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन द सर्किट शोन इन फिगर, ये जो सर्किट आपको फिगर में दिखाया गया है इसके लिए कौन सी बात ट्रू है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए द करंट थ्रू द NP, एन से लेके पी में जो करंट आएगा वो, ऑप्शन ए द करंट थ्रू NP इज 0.5 एम्पियर, ऑप्शन बी R1 की जो वैल्यू है वो 40 ओम है, ऑप्शन सी R की वैल्यू 14 ओम है एंड ऑप्शन डी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज 49 वोल्ट। इनमें से कौन सी बात सही है ये आपको बताना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज डी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज 49 वोल्ट। देखिए अब ध्यान से इस क्वेश्चन को, अगर हम इसको सारे को पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन में लेके चलते हैं तो हमें पता है कि जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स में होता है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम एंड वाइस वर्सा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास। मान लिया N और P को मैंने सीधा करके लगा दिया, अब R1 की वैल्यू जो इससे निकल के आती है वो 40 ओम आती है, फर्दर वोल्टेज जो आएगी N से P के अक्रॉस वो 20 वोल्ट आएगी और पोटेंशियल एट R दैट विल बी 49 वोल्ट और R की वैल्यू 19 आएगी, तो इसमें केवल D वाला ही होल्ड कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर ऑफ सेम लेंथ, इफ वन ऑफ देम गिव्स 25 वाट पावर एंड अदर 60 वाट पावर देन, देखो दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, उसके टंगस्टन फिलामेंट है, उनकी लेंथ सेम है, एक की पावर 25 वाट है दूसरे की 60 वाट है, तो आपको बताना है ऑप्शन ए बोथ फिलामेंट आर ऑफ सेम थिकनेस, क्या दोनों की थिकनेस सेम होगी, ऑप्शन बी 25 वाट वाले बल्ब की जो फिलामेंट होगा वो थिकर होगा, या 60 वाट वाले का थिकर फिलामेंट होगा, या ऑप्शन डी बोथ फिलामेंट हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 60 वाट बल्ब हैज थिकर फिलामेंट, जिसकी ज़्यादा पावर होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी, हायर द पावर लोअर द रेजिस्टेंस एंड लोअर द रेजिस्टेंस थिकर द एलिमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, तो आई होप ये बहुत ईजी कंसेप्ट था, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, थ्री अनइक्वल रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर इक्वलेंट टू ए रेजिस्टेंस 1 ओम, तीन रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका रिजल्ट जो आता है वो 1 ओम आता है, इफ टू ऑफ देम आर इन द रेशो 1:2, उनमें से दो का जो रेशो है वो 1:2 है
एंड नो रेजिस्टेंस वैल्यू इज फ्रैक्शनल. कोई भी ऐसा नहीं है कि 5/3 कर दिया, 3/7 कर दिया, इस तरह का फ्रैक्शन में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. देन द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री रेजिस्टेंस इन ओम्स इज, इनमें से तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा जिसकी यूनिट ओम होगी. आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 12. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. द राइट आंसर इज बी 6 ओम. उन तीनों में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो 6 ओम का होगा. कैसे देखिए जरा ध्यान से, हमें पता है कि दो रेजिस्टेंस का रेशियो तो R1/R2 हम ले लें 1/2 है. मान लिया जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो R है, तो अगर मैं एक को A ले लूँ तो दूसरा 2A हो जाएगा और तीसरा R. इन तीनों का जो पैरेलल में आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाले फॉर्मूले से 1/A प्लस 1/2A प्लस 1/R 1 आ गया. यहाँ से सॉल्व करके A की वैल्यू आ गई 3R/2 इंटू R-1. अब क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो फ्रैक्शनल तो है नहीं, तो इसका मतलब जो R/R-1 की कम से कम वैल्यू आएगी वो 2 तो आएगी आएगी. आप करके देख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप रखते हैं तो फिर फ्रैक्शन आएगा. कम से कम 2 तो वैल्यू आएगी आएगी, इससे कम नहीं ले सकते. अब R/R-1 की वैल्यू 2 रखें तो R सॉल्व करके आ जाता है बेटा 2. अब इसकी वैल्यू ऊपर रख दो तो यहाँ से A आ जाता है 3 ओम, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, 2A है ना, तो 2A कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 ओम. यही हमारा लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होगा ओम में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. इन द सर्किट गिवन हेयर द पॉइंट ए बी एंड सी आर एट 70 वोल्ट, 0 एंड 10 वोल्ट रेस्पेक्टिवली. यानी कि अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल आपको दिए हुए हैं. ए का पोटेंशियल है 70 वोल्ट, बी का है 0 और सी का है 10 वोल्ट. ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देख लीजिए. अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल आपको गिवन है, ए 70, बी 0 और सी 10. आपको बताना है ऑप्शन ए पॉइंट डी का पोटेंशियल क्या 60 वोल्ट होगा, ऑप्शन सी क्या पॉइंट डी का पोटेंशियल 20 वोल्ट होगा, ऑप्शन सी करंट इन द पाथ ए डी डी बी एंड डी सी आर इन द रेशियो 1:2:3 होंगे. क्या इनमें जो करंट हैं ए डी डी बी और डी सी में उन करंट का रेशियो 1:2:3 होगा, और ऑप्शन डी क्या इनमें जो करंट का रेशियो है वो 3:2:1 हो जाएगा. मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी करंट इन द पाथ ए डी डी बी एंड डी सी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने इनमें से पहले भी किसी एक क्विज में कराए हैं. देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. यहाँ पे ये हमारे पास सर्किट है, ऊपर वाली ब्रांच का करंट I1, CD वाले का I3 और DB वाले का I2 ले लिया. रेजिस्टेंसेज 10, 30 और 20 ओम है. अब ध्यान दीजिए, किरचॉफ लॉ अगर हम पॉइंट डी के ऊपर लगाएं तो I1 करंट आ रहा है और I2 और I3 जा रहे हैं, तो I1 = I2 + I3.
और करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो जब ए से डी पे आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए माइनस वी डी बाय रेजिस्टेंस है 10। इसी तरह से आई टू को लिख देंगे वी डी माइनस 0 बाय 20 और आई थ्री को लिख देंगे वी डी माइनस वी सी बाय 30। आपको वी ए वी बी वी सी गिवन है, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से जो वी डी आ जाता है वो 40 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज तो कहीं भी मैच नहीं हुई। उसके बाद करंट देखिए, आई वन आ गया 3 एम्पियर, आई टू आ जाएगा 2 एम्पियर और आई थ्री आ जाएगा 1 एम्पियर। तो जो करंट है वो 3:2:1 के रेशो में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द करंट इन द रजिस्टर आर विल बी जीरो इफ, इस सर्किट के अंदर जो आपका कैपिटल आर रेजिस्टेंस है उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा अगर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो। देखिए ऑप्शन नंबर ए है E1 R1 इज इक्वल टू E2 R2, ऑप्शन बी है E1 बाय R1 इज इक्वल टू E2 बाय R2, ऑप्शन सी है E1 प्लस E2 इंटू R1 इज इक्वल टू E1 इंटू R2 एंड ऑप्शन डी E1 माइनस E2 इंटू R1 इज इक्वल टू E2 R1 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी E1 बाय R1 इज इक्वल टू E2 बाय R2। कैसे देखिए ध्यान से, नेट जो यहां पे EMF होगा वो होगा E1 बाय R1 माइनस E2 बाय R2 बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब करंट अगर R से जीरो है तो E नेट भी जीरो हो जाएगा। अब जब E नेट जीरो हो जाएगा तो क्या बचा, केवल E1 बाय R1 माइनस E2 बाय R2 जीरो, यानी कि E1 बाय R1 इज इक्वल टू E2 बाय R2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द रेजिस्टेंस R इज टू बी मेजर्ड यूजिंग ए मीटर ब्रिज, स्टूडेंट चूजेस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S टू बी 100 ओम, ही फाइंड्स द नल पॉइंट एट L1 इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर, ही इज टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजफुल वे। यानी कि एक आर रेजिस्टेंस को हमने मेजर करना है मीटर ब्रिज की हेल्प से। एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस यूज किया गया है जिसकी वैल्यू 100 ओम है और मान लिया नल पॉइंट जो उसको मिलता है वो 2.9 सेंटीमीटर पे मिलता है, लेकिन उसके टीचर कहते हैं कि आप अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करो, तो उसे कौन सा तरीका आजमाना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही शुड मेजर L1 मोर एक्यूरेटली, L1 को ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करना चाहिए। ऑप्शन बी ही शुड चेंज S टू 1000 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, S को 1000 ओम से चेंज कर दे 100 की बजाय और फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट करे। ऑप्शन सी ही शुड चेंज S टू 3 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड ऑप्शन डी ही शुड गिवन अप होप ऑफ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट विद अ मीटर ब्रिज। वो ये सोच ले कि मीटर ब्रिज में इससे ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट नहीं आ सकती और वो गिव अप कर दे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ही शुड चेंज S टू 3 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, यानी कि S को 100 की बजाय 3 से रिप्लेस करे और फिर वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करे, ये उसके लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा। कैसे ये मैं बता रहा हूँ, वी नो दैट परसेंटेज एरर कैन बी मिनिमाइज बाय एडजस्टिंग द बैलेंस पॉइंट नियर द मिडिल ऑफ द मीटर स्केल, दैट इज अराउंड 50 सेंटीमीटर। दिस कैन बी अचीव्ड बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ S
फॉर बैलेंस पॉइंट टू बी 2.9 वी हैव द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन होगी? देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि परसेंटेज एरर को मिनिमम कर दें तो जो बैलेंस पॉइंट है वो पूरे मीटर वायर के सेंटर में आना ज़रूरी है। मीटर वायर मतलब 100 सेंटीमीटर, उसका सेंटर मतलब 50 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, जो एस रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एडजस्ट करेंगे। अब हमारा बैलेंस पॉइंट जो है वो 2.9 पे आ रहा है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर बाय एस इज इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल। रिमेंबर ये मीटर ब्रिज की इक्वेशन है, एल की वैल्यू 2.9 है तो 100 माइनस एल कितना हो जाएगा बेटा 97.1। तो यहाँ से आर सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3 ओम। अब अगर आर 3 ओम है तो बैलेंस पॉइंट के मिडिल में होने के लिए आर और एस बराबर होने चाहिए। अगर आर 3 ओम है तो एस को भी 3 ओम होना चाहिए, तो आर बाय एस शुड बी 1/1, यानी कि आर इक्वल टू एस, तो आर इज इक्वल टू 3 ओम, सो एस इज ऑल्सो 3 ओम। समझ में आया, आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अलग से कंसेप्ट था ये, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा इस नेटवर्क के लिए, ये आपको बताना है। थोड़ा सोच लीजिए, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे, कुछ 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2/3R, ऑप्शन बी 3/2R, ऑप्शन सी 2R एंड ऑप्शन डी 1/2R, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज ए 2/3R। कैसे होगा देखिए, यहां पे क्योंकि आर ए बी और आर ए ओ ये दोनों बराबर हैं, ऐसे ही आर बी सी और आर ओ सी ये भी बराबर हैं, तो ओ और बी पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल पे रहेंगे, इसलिए आर ओ बी जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। इट इज लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। सिमिलरली नीचे वाले में भी यही रहेगा, तो आर ओ डी जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर इनको छोड़ दें तो ए और सी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस आता है, ऊपर वाले आर और आर सीरीज में, फिर बीच वाले आर आर सीरीज में, नीचे वाले आर आर सीरीज में, 2R 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 तीनों पैरेलल में, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके आएगा 2/3R। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द थ्री रेजिस्टेंसेज 5, 5 एंड 6 ओम कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, इफ द पॉइंट एस डिवाइड द रेजिस्टेंस 6 ओम इंटू 2 इक्वल हाफ, 3-3 ओम के इक्वल हाफ हो गए, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड एस, पी और एस के बीच में नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं 11 ओम, ऑप्शन बी 8 ओम, ऑप्शन सी 6 ओम एंड ऑप्शन डी 4 ओम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज डी 4 ओम। देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए, तब कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। देखिए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। द सर्किट कैन बी रिड्रॉन एज, ये आपका सर्किट है, इसको हम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें
तो इस तरह से बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए लेफ्ट वाला भी क्या हो गया, 5 + 3 सीरीज में है 8, राइट वाला भी 8। अब ये जो 8 और 8 हैं ये आपस में पैरेलल में है, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा वो 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओम। देखिए सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, आपको बताना है कि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा अगर ये इनफाइनाइट नेटवर्क है। तो इनफाइनाइट नेटवर्क है उसमें आपको बताना है कि नेट रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच में कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं इनफाइनाइट, ऑप्शन बी 2 ओम, ऑप्शन सी 1 + √5/2 ओम एंड ऑप्शन डी 0। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। द राइट आंसर इज सी 1 + √5/2 ओम। देखिए जो इनफाइनाइट नेटवर्क होता है ना बेटा, इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करनी होती है। अगर मैं हाँ इससे चलते हैं, ये इतना पार्ट का पहले का रेजिस्टेंस देखूं, एक ब्रांच मैंने इसकी अलग कर ली, तो इस ब्रांच को छोड़ने से भी नेट रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो मैंने ब्रांच रेड से सर्कुलेट की है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा पूरे नेटवर्क का भी वही होगा। ठीक है, तो आई होप देखिए कैसे होगा। ये मान लिया हमने जो नेट रेजिस्टेंस मान लिया वो एक्स, तो हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया पूरी एक ब्रांच का रेजिस्टेंस एक्स मान लिया, और अब जो टोटल रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो भी एक्स मान लेंगे हम। तो अगर वैसे देखें तो एक्स और वन पैरेलल में हो गया, उनका हो गया एक्स बाय 1 + x, वो और 1 सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस हो गया 1 + x/1 + x, और इसको भी किसके बराबर रख देंगे, जैसे मैंने अभी बताया एक्स के बराबर। सो एक्स इज इक्वल टू 1 + x/1 + x। ये एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, x² - x - 1 = 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। सो एक्स आ जाएगा 1 + √1 + 4, 1 + 4 हो गया 5, तो इट विल बी 1 + √5/2 ओम, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए 2 ओम, बी 18 ओम, सी 6 ओम एंड डी 3.6 ओम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 3.6 ओम। वेरी गुड, आप में से कईयों के आंसर सही हैं। देखिए कैसे होगा, हम इस सर्किट को इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर तीनों हो गए सीरीज में, 9 ओम आ जाएगा और नीचे 6 ओम, ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 9 × 6/9 + 6, दैट इज 18/5, और ये आ जाएगा सॉल्व करके 3.6 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 19।
in the network of resistors shown in the figure, the equivalent resistance between A and B is, इसमें A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 54 ओम, ऑप्शन बी 18 ओम, ऑप्शन सी 36 ओम एंड ऑप्शन डी 9 ओम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up, and the right answer is option D, 9 ohm. देखिए क्या होगा, ये जो ऊपर वाले हैं 3 ohm ये सीरीज में, फिर नेक्स्ट 3 ohm सीरीज में, फिर 3 ohm सीरीज में, तो ऊपर हो गया, उसके बाद नीचे वाले भी इसी तरह से, फिर आपस में ये पैरेलल में होंगे, और फिर वो जो पैरेलल वाली है वो तीनों ब्रांच आपस में सीरीज में होंगी। देखिए इस नेटवर्क को हम इस तरह से बना सकते हैं, ये चीज, क्योंकि 3 और 3 6 ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। अब ये जो 6 और 6 है पैरेलल में हो गए, तो इसका आ जाएगा 3, दूसरे का भी 3, तीसरे का भी 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 ये आ जाएगा 9 ओम। ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, द डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी की डायमेंशंस क्या होंगी? ऑप्शन ए m^-2 t^2 ए, ऑप्शन बी m^-1 t^2 ए, ऑप्शन सी m^-2 t^3 ए, ऑप्शन डी m^-1 t^3 ए, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी m^-1 t^2 ए। देखिए मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसको ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट आएगी, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वीडी बाय ई, इसको सॉल्व करके मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट इंटू सेकेंड आता है, या फिर एल स्क्वायर बाय वोल्ट को जूल पर कूलाम लिख सकते हैं इंटू सेकेंड, जूल को किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू सेकेंड बाय कूलम को एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। इसको फर्दर जब हम अब डायमेंशन की फॉर्म में लिखेंगे तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम ऊपर आ जाएगा, तो m^-1 t^2 और ए ये आ जाएगा। तो अभी ये 20th क्वेश्चन था, अभी तो मैंने यही सोचा था कि 20 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन अब मैं दो क्वेश्चन आपके लिए और लेके आया हूँ स्पेशली, तो दो और क्वेश्चन हैं बस। क्वेश्चन नंबर 21, द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टर इज, जो एलॉय रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है उसका जो टेम्परेचर कोफिशियंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए स्मॉल एंड पॉजिटिव, ऑप्शन बी स्मॉल एंड नेगेटिव, ऑप्शन सी लार्ज एंड पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी लार्ज एंड नेगेटिव एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्मॉल एंड नेगेटिव। टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल होगा तो टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए स्मॉल और पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आज का ये आखिरी सवाल है।
और बहुत सिंपल है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, खींच के इसको डबल कर दिया। इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेचिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गेट्स हाफ्ड, इस खींचने के प्रोसेस में इसका एरिया आधा हो जाता है, तो जो नया रेजिस्टेंस वायर का आएगा वो कितना होगा? ऑप्शन ए 2 ओम, ऑप्शन बी 16 ओम, ऑप्शन सी 1 ओम एंड ऑप्शन डी 4 ओम। और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 16 ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर फिर भी मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज लग रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर उसका फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। अब हमें पता है कि पहला जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, पहली लेंथ को एल ले लेते हैं, रेजिस्टेंस दूसरे वाला निकालना है, एरिया मान लिया ए है तो एल टू नई लेंथ जो है वो 2L हो गई, नया एरिया a बाई टू हो गया, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेजिस्टिविटी या कह लो रेजिस्टेंस का रेशो तो R1 वन बाई आर टू इज इक्वल टू एल वन बाई ए वन डिवाइडेड बाई एल टू बाई ए टू या फिर एल वन ए टू बाई एल टू ए वन। तो सॉल्व करके R2 की वैल्यू जो आएगी वो 16 ओम आ जाएगी बेटा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस क्विज़ में इंटरेस्ट लिया, काफ़ी अच्छे से आपने आंसर्स दिए, स्कोर जो भी है पर आपका एफर्ट दैट इज़ एडमायरेबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है तो वो आपसे मिस ना हो। एंड डोंट फॉरगेट टू शो योर स्कोर प्लीज। ओके थैंक यू।